अभी हम कल जो है टॉपिक जो है संविधान का स्रोत के बारे में जाने थे, भाग के संविधान का भाग और अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो क्या है कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग लेके आए हैं आज। संविधान का स्रोत है और भाग है, अनुसूची है, जो एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, बार बार आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी। तो भारतीय संविधान की जो इंग्लैंड से जो है संसदीय शासन प्रणाली लिया गया था, ये तो हम लोग पढ़े थे वहाँ संविधान के स्रोत में पढ़े थे। तो देखेंगे संसदीय प्रणाली जो है किस में है। ऑप्शन ए है, अच्छा ऑप्शन ए में ही है संसदीय प्रणाली जो है ये लिया गया था। आपका दूसरा प्रश्न जो है, क्या भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण जो है आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोग लिए थे कल, ये बात किए थे कि राजकीय नीति आयरलैंड से राजकीय नीति निर्देश सिद्धांत क्यों लिए गए थे। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा इकाई स्रोत, सबसे ज़्यादा जो है इकाई स्रोत सबसे ज़्यादा लिया गया है इसमें भारतीय संविधान से, तो वो भारत शासन अधिनियम से लिए थे हम लोग 1935 का। तो देखेंगे ये है कि नहीं। पहला देखेंगे ब्रिटिश शासन है, बी में दे रहा यूएसए का, तीसरा दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है, और तीसरा चौथा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, यही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था, भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया। तो प्रश्न में देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, पहला है ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया तो हम लोग समवर्ती सूची है, ये तो होगा नहीं। दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है आयरलैंड। तो संघीय व्यवस्था जो है वो लिया गया था कनाडा से, अमेरिका से मौलिक अधिकार और आयरलैंड से राजकीय नीति निर्देश तत्व लिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न चलेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो सातवीं अनुसूची में रखा गया है वो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए थे। ऑप्शन देखेंगे ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए और डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो संवर्ती सूची जो सातवीं अनुसूची में है वो हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे, संघ और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन जो किया गया था, तो शक्ति का विभाजन जो है कनाडा से किया गया था, है ना, कनाडा से किया गया था। शक्ति का विभाजन हो या केंद्र में शक्ति का हो, ये सब कनाडा से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य को हम लोग पढ़े थे कि मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया था, है ना, तो रूस से लिया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1976 में ऐड किया गया था। तो देखेंगे क्या है रूस वाला, देखेंगे पहले है, पहला ऑप्शन है भारत अमेरिका का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, हाँ रूस का, रूस के संविधान है, तो यही हो जाएगा रूस का, सी हो जाएगा साथ का। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है, मतलब कि राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो हम लोग आगे बना चुके हैं, आगे देखेंगे प्रश्न ऑप्शन में क्या क्या है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और आयरलैंड है। तो राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत जो है भाग चार में दिया गया है वो हो जाएगा आपको क्या, डी हो जाएगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक भाग तीन में दिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका का है, तो देखेंगे 9 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न जो है इसका लास्ट इस टॉपिक का प्रश्न है, भारत के सरकार भारत में सरकार के संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली जो है हम लोग पहले भी पढ़ सके हैं, जो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है ना, तो ऑप्शन देखेंगे अमेरिका का संविधान है, रूस की संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, स्विस संविधान है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे, अब लोग हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, भाग पे चलेंगे, संविधान के भाग के बारे में देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है संविधान के भाग के बारे में। संविधान का भाग का जो मुख्य प्रश्न सब है,
संविधान के भाग के बारे में कुछ प्रश्न है, उसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग। पहला है, भारतीय संविधान के कितने अध्याय मतलब कितने भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो टोटल भाग जो है देखेंगे ऑप्शन में क्या है, 16 है, 24 है, 25 है, 22 है, तो टोटल भाग जो है 22 है। अगला जो है कि संविधान में किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेखीय है, तो संविधान संशोधन का जो उल्लेखीय है जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है ना, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है तो भाग कितने में है, तो भाग 20 में है। देखेंगे ऑप्शन ए में है, 3 है, 4 है, 20 है, 21 है, तो 20 हो जाएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में संबंधित प्रावधान किया गया है, तो पंचायती राज का जो है भाग जो है 9 में किया गया है। ठीक है, और नगर पंचायत का जो हो जाएगा 9 के क में हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन देखेंगे ए में दे रहा है 9, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमकालीन और विशेष संबंधों के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है, तो उसके बारे में देखेंगे क्या क्या ऑप्शन में है, तो 18 है, भाग का भाग 18, भाग 19, भाग 21 और भाग 22, तो ये हो जाएगा 21, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में किस भाग में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तीन सोपानों में परिकल्पना की गई है, तो हम लोग पहले भी बात की है अगले पिछले प्रश्न में, संविधान का जो पंचायत वाला जो बात है वो भाग 9 में किया गया था, है ना, तो देखेंगे भाग 9 किस में है, तो ऑप्शन ए में दे रहा है 9, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा, पाँच क्या 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है, जो बात किए थे पीछे नगर पालिका से, तो 9 के क से हम लोग बात किए थे, तो पहला ऑप्शन है 4 है भाग का, ये उसके बाद क्या है भाग का 6 है, उसके बाद 8 है, ठीक है ना, 7 है, वो 9 है, तो डी हो जाएगा 9 का क। उसके बाद का अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग ने नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में उल्लेखनीय किया गया है, तो संविधान के जो भाग था राज का नीति निर्देश सिद्धांत वो चौथे भाग में किया गया है। ठीक है ना, और चौथे भाग में मौलिक कर्तव्य का भी किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का भी किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग एक में निम्न में से किससे का वर्णन किया गया है। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में क्या है, और दूसरा है नागरिकता है, उसके बाद क्या है कि मूल अधिकार तो आपका अमेरिका से हो जाएगा, ये तो है नहीं, उसके बाद पहला नागरिकता, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशन, ये तो आयरलैंड का हो जाएगा, तो पहला ए जो है संघ और राज्य क्षेत्र का हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी का मूल अधिकार के बारे में जानकारी देता है, तो मूल अधिकार का जहाँ तक बात है वो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था, तो अमेरिका का जो है भाग 3 में जिक्र किया गया है, ये तो हो जाएगा आंसर इसका ए हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसका, अनुसूची के कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में जो है टोटल अभी जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, जिस समय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, उस समय टोटल जो है 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो अभी जो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में, तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत जो है संविधान में कितने अनुसूची थी, तो कितनी अनुसूचियाँ क्या बोले, संविधान सभा की पारूप समिति द्वारा प्रस्तुत पारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उस समय जो है टोटल जो है 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अभी जो है वर्तमान में 12 है जाए। अगला प्रश्न है, जो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो लागू हुआ था
वही 26 जनवरी को 1950 को पूरी, तो ये आपको बी हो जाएगा आठ, आठ अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में भी ऑप्शन जो देखेंगे ए है 8, बी है 9, सी है 10 और डी है 11, तो इसमें भी 8 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो हम लोग ये पढ़े थे 1951 में जो है 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें भूमि से रिलेटेड वर्ग को किया गया था। अगला जो है 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूचियां संविधान में शामिल की गई थी? तो राजनीति मुद्दे से रिलेटेड था, दल बदल नेता से था, तो उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन देखेंगे 9 का 6 का जो है ऑप्शन ए 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 से 93 के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, जिसमें टोटल कार्य जो है 29 कार्य किए गए थे ये पंचायती राज से। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 8वां, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन जो है ये भी 1992 से 94 के बीच में किया गया था। ये आपको इसमें टोटल कार्य जो है 18 हुए थे, नगर पंचायत से रिलेटेड हुआ था, और ये जो है 74वें संविधान संशोधन में 12वां अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वां प्रश्न जो है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है वो आपका जो है, द्वितीय अनुसूची जो है आपका जो क्या बोलते हैं वेतन से है, तो देखेंगे वेतन किस में है, राज्यसभा के प्रतिनिधि है, दूसरा है भाषा से है, तीसरा है शपथ, शपथ जो तीसरा से होता है तीसरा में है शपथ है, चौथा है महत्वपूर्ण पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सचिव उपाध्यक्ष ये सब जो है उसके वेतन से बारे में देता है, और जो ये आपका शपथ है वो तीसरे अनुसूची में हो जाएगा। और लास्ट जो इस आज का जो टॉपिक का लास्ट प्रश्न है इसको भी देखते हुए देखेंगे, लास्ट टॉपिक 10वां प्रश्न है, भारत में संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूचित में दिया गया है, संघ शासित और राज्यों के बारे में दिया गया है? तो देखेंगे पहला दिया गया है आपको क्या कि प्रथम अनुसूची है, दूसरा है द्वितीय अनुसूची, तीसरा है तृतीय अनुसूची, चौथा है चतुर्थ अनुसूची। तो संघ शासित और राज्य क्षेत्रों के बारे में जहाँ तक मालूम है इसका ऑप्शन जो है प्रथम अनुसूची हो जाएगा। ये था आज का मुख्य टॉपिक, स्रोत था, अनुसूची था, अभाग था। इससे कुछ सवाल इसमें डाले गए थे, इसका पहले जो डिटेल्स में दिया गया था उससे रिलेटेड प्रश्न। अब क्या है कि टॉपिक बाय टॉपिक आता रहेगा प्रश्न, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें।